तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे टाइपिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि फ्रेंड्स, जब मैं टाइपिंग देने गया था SSC CHSL की, तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की, कैसा मेरे को लगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं 3 बार टाइप दे चुका हूँ और 3 बार मैंने क्लियर किया है, तो मुझे लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी टाइपिंग में। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फ्रेंड्स एक जगह आके रुक गई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद में फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा था जब मैं टाइपिंग देने गया था। देखिए, जब मैं सबसे पहले टाइपिंग देने गया था, SSC CHSL 2012 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो जब मैं उसकी टाइपिंग देने गया तो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें कंप्यूटर अलॉट कर दिए गए, मतलब रैंडमली अलॉट कर दिए गए। बोला गया कि आप जाके किसी भी कंप्यूटर पे बैठ जाओ, वहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना होता है कि कंप्यूटर के वायर वगैरह इधर उधर तो नहीं निकल रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका कीबोर्ड है उसका एक एक बटन दबा के आप नोट पैड में देख लीजिए कि सारे बटन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सारे बटन सही से काम कर रहे हैं तो गुड, नहीं तो आप उनको बोल दीजिए। वो फ्रेंड्स वहाँ पे जो आपका कीबोर्ड है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसी टाइम, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कीबोर्ड वो रखते हैं ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो दे कैन एक्सचेंज योर कीबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये होता है, जाते ही आपका से एडमिट कार्ड वगैरह लिया जाता है, बाकी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में आपको कंप्यूटर अलॉट हो जाता है। कंप्यूटर पे जाने के बाद में आपको कीबोर्ड अच्छे से चेक कर लेना है कि सारे बटन इसके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, जब टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है उससे पहले आपको 5 मिनट दी जाती है उसी सॉफ्टवेयर पे जिसपे आपको टाइप करना होता है। उसमें सारी चीज़ें फिल करने के बाद में 5 मिनट का आपका एक डेमो टेस्ट होता है जिसमें आप अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं थोड़ा सा, और जो सिचुएशन है फ्रेंड्स उसके अनुसार अपने आप को वहाँ पे ढाल सकते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है टाइपिंग के दिन वो होती है माइंडली प्रेशर, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी आदमी के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है। फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट एक ऐसी चीज़ है वो 10 मिनट में आपकी जॉब का फैसला करने वाला है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हमेशा ये रहता है कि आप बगल वाले स्टूडेंट्स को देखते हो तो लगता है कि ये हमसे बेटर करेंगे और इनके सामने हम कैसे परफॉर्म करें। तो ये जो चीज़ होती है फ्रेंड्स मेंटली प्रेशर, इससे डील करना बहुत ज़रूरी है और इससे डील करना फ्रेंड्स आपको आना चाहिए कि कैसे इस चीज़ से डील करें। तो फ्रेंड्स अभी हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में इन चीज़ों के सोल्यूशन भी देखेंगे। तीसरी चीज़ जो फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा जो मुझे जिससे प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि जो फर्श वहाँ पे दिया गया था, मतलब जो चेयर वहाँ पे हमें प्रोवाइड की थी और जो फर्श था वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिसलन वाला, बहुत ही मतलब चमकीला, जो भी उसे बोलते हैं, ऐसा फर्श था जिसपे जो चेयर थी व्हील चेयर वो बार बार जैसे मैं कीबोर्ड पे आगे हाथ अपने रख रहा था वो जो चेयर थी वो बार बार पीछे को खिसक रही थी, मतलब मैं अपनी जगह वहाँ पे नहीं बना पा रहा था। और उसकी वजह से जब मैं डेमो टेस्ट दे रहा था तो मुझे वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जो मेरे आगे जो बेंच रखी हुई थी टेबल, उसको पैर से अच्छे से जकड़ लिया, जो मैं पहन के गया था सूज वो मैंने व्हील चेयर के जो एक व्हील था उसमें फंसा दिया ताकि चेयर आगे पीछे ना हो और मैं प्रॉपरली टाइप कर सकूं। तो ये चीज़ फ्रेंड्स मुझे फेस करनी पड़ी वहाँ पे। उसके बाद मैंने टाइपिंग स्टार्ट की और जब टाइपिंग स्टार्ट की तो स्टार्टिंग का 1 मिनट मुझे बाकी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद में बाकी की 9 मिनट कैसे निकली, कैसे मैंने टाइप किया कुछ नहीं पता फ्रेंड्स, क्योंकि टाइपिंग में खो जाते हैं। वो एक चीज़ होती है, आपके सामने एक पैराग्राफ रखा रहता है, आपको बस वो पैराग्राफ दिखाई देता है, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने फील किया, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, आपको जाना है टाइप करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि आपको टाइपिंग टेस्ट जिस दिन आप देने जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है किसी और यूट्यूबर का और ओपिनियन हो या फिर आपका कोई और ओपिनियन हो, तो इन चीज़ों को टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। बस मुझे ये चीज़ लगा कि ऐसे करना चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे एडॉप्ट कीजिए, अगर आपको बुरी लगती है तो आप थैंक यू बोल के निकल जाइए। पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है फ्रेंड्स ये है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएं तो जब आप लैब पे पहुंच जाएं जहां पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप बात कीजिए अपने जो भी साथ के स्टूडेंट्स आए हैं उनसे, बट फ्रेंड्स आप टाइपिंग के बारे में वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस मत करिए।
देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कि लोग कुछ फेंकने वाले आपको मिल जाते हैं या फिर कुछ डिमोटिवेट करने वाले मिल जाते हैं, वो आपको बताएंगे कि मेरी टाइपिंग स्पीड 60 की है, मेरी टाइपिंग स्पीड 65 की है, मेरी इतने की है, मेरी उतने की है। वहाँ पे अगर आप एग्जाम सेंटर के जस्ट बाहर अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो वो जो चीज़ है वो आपके साथ जाएगी एग्जाम सेंटर के अंदर भी, यानी कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देंगे तो वो चीज़ आपके साथ में रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि आप वहाँ पे जाके किसी भी स्टूडेंट से बात मत कीजिए टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आप बात कीजिए एग्जाम के बारे में, किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, बट आप टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात मत करो कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, कहाँ पे टाइप की वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ फ्रेंड्स आप निकल के भी बात कर सकते हो, क्योंकि उसके स्पीड बताने से या फिर उसके वहाँ पे कोई ट्रिक बताने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स, पहली मेरी रिकमेंडेशन ये है। दूसरी फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन उनके लिए है जिनकी टाइपिंग स्पीड 25 से 35 वर्ड पी एम पे आके अटक गई है, उससे आगे फ्रेंड्स उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर, मैं काफ़ी दिनों से टाइपिंग कर रहा हूँ बट मेरी स्पीड है वो 30 पीएम से ऊपर जा ही नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश की है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी इसी चैनल पे, उसमें टाइपिंग के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि एक अच्छा कीबोर्ड ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 1400-1500-2000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी भी स्टूडेंट के लिए आज के ज़माने में। मैंने फ्रेंड्स अपने लिए खुद ने खुद काम करके एक कीबोर्ड लिया था और वो कीबोर्ड मेरे साथ अभी भी है। मतलब फ्रेंड्स, उस कीबोर्ड को 7-8 साल हो गए, अभी भी वो चल रहा है। तो एक अच्छा कीबोर्ड खरीद लीजिए। मैंने रिकमेंड किया था TVS गोल्ड करके कीबोर्ड आता है, उस तरीके का कोई मैकेनिकल कीबोर्ड खरीद लीजिए और उस पर टाइप करिए पहली बात। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपकी स्पीड अभी भी 25 से 35 वर्ड PM में आके अटकी हुई है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो आप पैरा लेते हैं टाइपिंग के लिए, जो आप कंटेंट लेते हैं, वो फ्रेंड्स ऐसा कंटेंट लीजिए जो कि बहुत इजी हो, लाइक स्टोरी जिसमें आपको वर्ड है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वर्ड जब आपको इजी मिलेंगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपकी स्पीड एक बार अच्छी हो जाएगी, मतलब 40-45 तक चली जाएगी। और फ्रेंड्स, जब आप 40-45 की स्पीड पे कुछ दिनों तक टाइप करोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रेंड्स उसी पैरे को बार बार टाइप करो, बट एटलीस्ट एक सेम पैरे को, एक सेम स्टोरी को आप दिन में एक बार उसको एक बार टाइप जरूर करिए। और उससे होगा क्या फ्रेंड्स, पर्टिकुलर उस पैरे के लिए, उस स्टोरी के लिए आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। और उस कंटेंट पे, उस स्टोरी पे जब आपकी स्पीड इम्प्रूव हो गई तो वो चीज़ें धीरे धीरे सब जगह पे होने लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब आपकी स्पीड रुक जाती है तो आप ऐसा कंटेंट टाइप कीजिए जिसकी स्पेलिंग्स, जिनका कंटेंट बहुत इजी हो, माइंड उन्हें अच्छे से याद कर सके, ताकि हम वहाँ पे अपना बेस्ट दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली ट्रिक या फिर जो भी इसको आप बोलिए, ये एक बार आजमा के देखिए कि आप ऐसा कंटेंट टाइप करना जो कि बहुत इजी हो, डेफिनेटली आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स, जो अगली टिप है वो उनके लिए है जिनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, लाइक जे के साथ में जी दब रहा है, मतलब बगल वाला जो वर्ड है वो दब रहा है, या फिर एक वर्ड है वो दो बार टाइप हो रहा है, या फिर कोई वर्ड है जो मिस हो जाता है किसी स्पेलिंग में से, मतलब बहुत कॉमन सी, बहुत नॉर्मल सी मिस्टेक्स हो रही हैं, एक एक वर्ड की मिस्टेक हो रही हैं और उन पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, एक अच्छा कीबोर्ड है वो इन चीज़ों को दूर करता है, क्योंकि मैकेनिकल जो कीज होती हैं फ्रेंड्स, जब आप उसको टैप करते हो तो उससे एक साउंड आती है और वो आपको रिकॉग्नाइज करवाती है कि ये वर्ड, ये जो की है ये एक बार प्रेस हो चुकी है। और धीरे धीरे जब फ्रेंड्स आपका माइंड ये चीज़ें सीख लेता है तो आप उस चीज़ को किसी भी कीबोर्ड पे आप कर पाओगे। और जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है वो साइज में फ्रेंड्स नॉर्मल कीबोर्ड से, जो चीप कीबोर्ड होते हैं उनसे साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसकी जो की होती हैं एक तो हाइट पे होती हैं, पहली रो सबसे नीचे होगी, उसके बाद ऐसे हाइट पे होती हैं, और जो उनकी की होती हैं फ्रेंड्स थोड़ी दूर होती हैं। तो जो आपको जो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि जे के साथ में एच दब रहा है, लाइक दो कीज एक साथ दब जा रही हैं, या फिर कोई कीज मिस हो रही है, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी फ्रेंड्स मैकेनिकल कीबोर्ड से। तो एक बार आप लाके देखिए मैकेनिकल कीबोर्ड, उसके बाद में देखिए जादू। तीसरी जो मेरी टिप है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे भाई हैं, वो ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मैं 2 से 3 घंटा टाइप कर रहा हूँ एक साथ में। भाई ऐसा मत करो, 2 से 3 घंटे टाइप करो, डेफिनेटली अगर आपको टाइपिंग की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है तो 2-3 घंटे टाइप करो, बट ऐसे मत करो एक साथ में 3 घंटे मत करो, मैक्सिमम 20-30 मिनट में एक बार टाइप करो, फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, उंगलियों को आराम करने दो थोड़ी देर, उसके बाद में वापस से टाइप करो। क्योंकि फ्रेंड्स ये भी कोई चीज़ है, इनको आप 2 से 3 घंटे यूज में नहीं ले सकते, उसके बाद में आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है
और फ्रेंड्स उससे डिमोटिवेशन आता है, डिमोटिवेशन से स्ट्रेस आता है और आपकी टाइपिंग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक टाइप मत करो, स्लैब बना के थोड़े थोड़े स्लैब बना के 20 से 3 मिनट आप 4 बार टाइप करो, 5 बार टाइप करो, इट्स अप टू यू कि आपको कितनी तैयारी करनी है, कितनी तैयारी की भी ज़रूरत है। चौथी जो फ्रेंड्स मेरी टिप है कि आप जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आप बाकी की आवाज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, बस ये मान के चलो कि मुझे मेरी टाइपिंग पे फोकस करनी है, बाकी को कैसे भी आती हो, और वहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वहाँ पे स्ट्रेस हुआ तो आपकी टाइपिंग में एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे फ्रेंड्स हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हमको वहाँ पे टाइपिंग के बारे में सोचना है कि हमें बस वही करना है जो कि हम बाकी दिनों में घर पे करते आ रहे हैं, वैसे ही हमें एक टाइपिंग टेस्ट देना है। पांचवी और आज की लास्ट टिप फ्रेंड्स ये है कि जो भी यूट्यूब पे फर्जी वीडियोज हैं आपको फ्रेंड्स 7 दिन में डबल टाइपिंग करवा देंगे, 5 दिन में डबल टाइपिंग करवा देंगे, 10 दिन में 100 की स्पीड ला देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो थोड़ा उनसे दूरी बना के रहिए। फ्रेंड्स एक टिप मैं भूल गया था, उसको भी मैं बता देता हूँ। ये टिप फ्रेंड्स उनके लिए है जिनकी स्पीड ठीक ठाक है, मतलब जो 40-45 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, बट उनकी एरर जो एरर परसेंटेज है वो ज़्यादा आ रही है, मतलब गलतियाँ उनसे ज़्यादा हो रही हैं। तो फ्रेंड्स टेक ए रेस्ट, आप ऐसे करिए 45 की स्पीड से 35 पे आ जाइए, मतलब थोड़ा धीरे धीरे टाइप करिए, आप स्पीड पे ध्यान थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, स्पीड को आप 30-35 की स्पीड पे टाइप करिए, बट आप एक्यूरेसी मेंटेन करिए, कोशिश करिए कि सारी जो चीज़ है वो आप विदाउट बैक स्पेस करेक्ट लिखें, और जब आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी सही आ जाती है 30-35 की स्पीड पे, फिर आप वापस से स्पीड पे वर्क करेंगे, और क्योंकि आप 45 की स्पीड पे फ्रेंड्स पहले से ही टाइप कर चुके हैं तो आपकी एक्यूरेसी आने के बाद में वो स्पीड अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 4 दिन में आप वापस से वही स्पीड अचीव कर सकते हो विद ए हाई एक्यूरेसी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको टाइपिंग के रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक आइकन, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स अगर आपके दोनों अंगूठे सही सलामत हो और चाहते हो कि वो आगे भी सही सलामत रहे तो जल्दी से वो रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब का वो दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।